गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं निकुसा आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस में। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि प्राचीन काल में झारखंड का क्या क्या नाम था। तो सबसे पहले यदि हमारे झारखंड का नाम यदि आया है तो वो ऐतरीय ब्राह्मण में आया है। तो उसके पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा जो झारखंड है उसका अर्थ क्या, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है। तो झारखंड जो है वो झार प्लस खंड से बना हुआ है। तो झार हो गया वन, जिसका अर्थ होता है, झार का अर्थ होता है वन, और खंड का मतलब होता है भाग चाहे प्रदेश। तो इस ढंग से वन प्रदेश, तो हमारे झारखंड का शाब्दिक अर्थ निकल जाएगा वन प्रदेश। तो ये दो शब्द से जुड़ के बना है, झार प्लस खंड। तो इसमें क्वेश्चन बन के आएंगे कि झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो है झारखंड। और ये कितने शब्द से जुड़ के बना है, तो दो शब्द से जुड़ के बना है। तो झार और खंड का क्या मतलब है, तो वन और भाग या खंड या प्रदेश। ठीक है, देखते हैं आगे। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ झार प्लस खंड, वन प्लस भूभाग, खंड को भूभाग भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारे झारखंड का यानी ब्राह्मण का ही हुआ। तो ब्राह्मण में हम लोगों को झारखंड के क्या नाम से जाना जाता था, तो ऐतरीय ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण? ऐतरीय ब्राह्मण में हमारे झारखंड को पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता था। पुंड का मतलब होता है पशु। ठीक है, तो देखिए जब महाभारत, ये ब्राह्मण हो गए, उसके बाद महाभारत चला। तो महाभारत में दिग्विजय पर्व है, उसमें पुंडरिक देश या पशु भूमि दो जगह प्रयोग किया गया। एक जगह पुंडरिक देश, दूसरा जगह पशु भूमि। अब देखिए पुंडरिक देश को याद करने का ट्रिक है, पुंडरिक यानी महाभारत में पांडव थे, यानी पांडव से दिमाग में रखिएगा पुंडरिक। तो दूसरा हो गया पुंडरिक देश, और ऐतरीय ब्राह्मण में पुंड, पुंड कहा गया, यहाँ पे पुंडरिक देश कहा गया। पुंड माने होता है पशु, यानी पुंडरिक माने पशुओं का भूमि, ढंग से कह सकते हैं। तो इसलिए दोनों चीज हो गया, पुंडरिक माने पशु भूमि। अब देखिए ये जो तीन है, ये पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण। तो वायु पुराण में मुरंड है, तो जैसे वायु पुराण, वायु नहीं रहा तो आदमी मर जाएगा, यानी र हो गया तो मुरंड, मर गया। तो इसलिए वायु पुराण का नाम याद रखने के लिए मुरंड करेंगे। और मुरंड और विष्णु पुराण में, तो विष्णु पुराण में मुंड, र को हटा दिए हैं, विष्णु का भगवान यानी मुंडे यानी मुंड। ठीक है, मुंड रखेंगे याद। और भागवत पुराण में किकट प्रदेश, यानी किसका प्रदेश है, तो आद्र सत्वाहन का, किकट प्रदेश। ठीक है, इस ढंग से ये तीन पुराण के नाम याद हो जाएंगे, वायु पुराण मुरन, विष्णु पुराण मुंड, भगवत पुराण की कट पड़ते। उसमें कहो देखिए, ये जो वायु पुराण है उसमें हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए गुप्त काल में मैंने क्या किया है, मुरन। यानी पूछा जाए वायु पुराण में क्या कहा गया है, तो मुरन। गुप्त काल में झारखंड का क्या वर्णन है, तो मुरन। फिर उसके बाद विष्णु पुराण आ गया, विष्णु पुराण में मौर्य काल का वर्णन है, तो विष्णु, तो विष्णु यानी मुंड, तो मौर्य काल में मुंड, चाहे वो कौन चंद्रगुप्त मौर्य हो चाहे अशोक, दोनों के समय में मौर्य काल होगा, और उस मौर्य काल का ये प्रयोग करेंगे मुंड। और ये भागवत पुराण में आंध्र सत्वाहन का वर्णन है, और इसे यहाँ पे किकट प्रदेश। तो आंध्र सत्वाहन के लिए भी पूछा जाए कि आंध्र सत्वाहन में किसका प्रयोग किया है झारखंड का, तो किकट प्रदेश। ओके, तो देखिए यहां से आ गया मुरन, गुप्त काल में मुरन, समुद्रगुप्त। हाँ, ये भी एक नोट करने का बात है कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त का हरिसेन के द्वारा, कवि हरिसेन के द्वारा एक प्रयाग प्रशस्ति है, वो एक तरह का पिलर है, उस पिलर पे समुद्रगुप्त का विजय के बारे में लिखा हुआ है, और उसी में हमारे झारखंड का नाम को रखा गया है। और वो नाम क्या रखा गया है, मुरन। ठीक है, वायु पुराण के द्वारा ये, ठीक है, सॉरी, ये गुप्त काल में मौर्य काल में मुंड। ओके, ठीक है, अब फिर मौर्य काल में मुंड, अब ये मौर्य काल में कौन आएंगे, अशोक आएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य आएंगे, तो भी मुंड। ठीक है, फिर आंध्र सत्वाहन की कट प्रदेश। तो यहां से यहां तक आप लोगों को लर्न हो गया, पहला ऐतरेय ब्राह्मण, उसमें पुंड, महाभारत पुंडरिक प्रदेश, फिर उसके बाद वायु पुराण मर जाएगा यानी मुरंड, तो उस गुप्त काल का है वो, विष्णु पुराण मुंड मौर्य काल का, और किकट प्रदेश
सत्वाहन का और ये भगवत पुराण। तो यहाँ तक हो गया। फिर उसके तीन जो कि दो जो है आपकी चीनी यात्रियां है, एक फायन एक वेनसा। फायन जो आए तो उसने कर दिया कुकट लाड कह दिया, ठीक है, लाड बने देश होता है कुकट लाड। फिर वेंग सांग ने छोटा नागपुर को कहा, वेंग सांग ने छोटा नागपुर कहा किलो ना सूफा लाना, किलो ना सूफा लाना। त्रगाके भी कह सकते, ये थे चीनी यात्री, इन्होंने कहा। और यहाँ पे देखिए किलो ना सूफा लाना है ना, तो ये हो गया किलो ना को कर्ण और फिर उसके बाद स्वर। इस ढंग से कर्ण स्वर के भी नाम से क्या बोलते हैं वेंग सांग ने कहा। फिर वेंग सांग ने ही राजमहल क्षेत्र को, पहले क्या था ना कि जितने भी जो झारखंड में थे छोटे नागपुर को ज्यादा माना जाता, 90% एरिया छोटा नागपुर ही था। और इसीलिए जो है ना जो चीनी यात्री थे या मुगल काल में थोड़ा देर के लिए मुगल काल में और छोटा नागपुर सबको ही झारखंड कहके बुलाया जाता था। इसीलिए यहाँ वेंग सांग ने छोटा नागपुर को कर्ण स्वर्ण के नाम से बोला। फिर राजमहल क्षेत्र को उन्होंने की चिंग काइला कहा, की चिंग काइला। यहीं पे हर्षवर्धन से राजमहल क्षेत्र में ही वेंग सांग का मिलन होता है। फिर तालमी ने कहा मुंडल, तालमी ने मुंडल कहा। फिर उसके बाद तुजक ए जहांगीर, और ये सब जो है आपके मुगल काल के हो जाएंगे, तुजक ए जहांगीर आईने अकबरी। तो तुजक ए जहांगीर में खोखरा, आईने अकबरी में कोकरा या खंकारा। तो ये याद रखिएगा कि मुगल काल में जितने आए कोकरा खोखरा कुकरा इन सब वर्ड का प्रयोग किया। होता क्या था कि छोटा नागपुर जो था उसकी जो राजधानी थी कोकरा था, कभी खोखरा था, इसके कारण प्रोनाउंसिएशन चेंज होते होते कोकरा खोकरा कुकरा ये सब नाम से हमारे झारखंड को जाने लगा। फिर उसके बाद पूर्व मध्यकाल संस्कृत साहित्य में संस्कृत, और ये कलिंद शब्द भी संस्कृत है, संस्कृत कलिंद। तो इस ढंग से इस मध्यकाल के जो संस्कृत का साहित्य है उसमें कलिंद देश जाना जाने लगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य जो है मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के समझ में आए थे, इन्होंने भी कहा कुकट देश। देखिए फायन कहा था कुकट लाड, इसने कहा कुकट, सेम है फायन का कुकट लाड और यहाँ कुकट, दोनों सेम है। तो ये लगभग में है कुकट लाड कुकट देश। तो इस ढंग से कर दीजिएगा, ये कौटिल्य सास फायन और मौर्य काल का तो थोड़ा नाम अलग मुंड हो जा रहा है, लेकिन जो फायन और कौटिल्य शास्त्र का नाम में जो अर्थशास्त्र में है उसका नाम कुकट लाड और एक कुकट देश, कुकट किकट ऐसे ही लगभग पर मिलेगा आपको। फिर मुगल काल में मैंने बता ही दिया कुकरा खुकरा, देखिए यहाँ खंकारा भी कहीं कहीं है आईने अकबरी का, तो एक ही है खंकारा खोकरा कोकरा, अलग अलग जैसे बुक में लिखा हुआ अलग अलग रीति में अलग अलग वर्ड का प्रयोग किया गया, लेकिन लगभग सब मिलता जुलता है। यानी कि यहाँ पे याद रखना है कि मुगल काल में खोकरा खुकरा खंकारा रहेगा, उधर आपका मौर्य काल गुप्त काल वो सब में मुंड मुरंड ये रहेगा, एत्री और महाभारत में पुंड रहेगा। आगे देखते हैं सहबाज खां और अब्दुल हई ने माथिर उल उमरा जो उनकी एक पुस्तक है उनमें उन्होंने कोकरा कहा, ठीक है कोकरा। तो यहाँ सबसे प्राचीन में किस तरह से झारखंड के नाम आए आप देख ले। अब झारखंड वर्ड कब से शुरू हुआ, झारखंड जो हम लोग झारखंड अभी है हम लोग झारखंड के रहने वाले, तो वो झारखंड शब्द का प्रयोग कब से हुआ, तो वो हुआ प्रथम झारखंड नाम से उल्लेख मिलता है 13वीं सदी में। कब से मिलता है 13वीं सदी में, और सबसे पहला वर्ड किस चीज में लिखा गया था, वो ताम पत्र में लिखा गया था, ठीक है ताम पत्र में लिखा गया था। उसके बाद फिर जो आए शमशेर सिराज ने तारी के फिरोसाई में झारखंड शब्द को लिखा, सलीम उल्लाह ने भी अपने तारी के बंगला किताब में झारखंड शब्द को लिखा, फिर गुलाम हुसैन खान ने सियारे मुख्तलिम में झारखंड शब्द को लिखा, ठीक है ये तीन जो आए इन्होंने झारखंड शब्द का प्रयोग अपने बुक में झारखंड ही लिखा, कोई अलग शब्द नहीं झारखंड। उसके बाद दो आ जाते हैं आपके भक्ति से, एक कबीरदास और एक मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी भी है जो कृष्ण के भक्त थे, और कबीर दास ने अपने बीजक में जो उनकी पुस्तक है उन्होंने उनमें
झारखंड लिखा, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में झारखंड लिखा। उसके बाद एक अबुल फजल का कृत है अकबरनामा। अकबरनामे भी अकबरनामा आईने अकबरी में देखें, एक कंफ्यूज नहीं होगा। देखिए यहाँ आईने अकबरी है, यहाँ पर वर्ड हुआ है कोकरा और अबुल फजल, ये भी अबुल फजल का ही है। ये जो आईने अकबरी की जो किताब है ये भी अबुल फजल का है, लेकिन यहाँ पे कोकरा फर क्यों किया गया। और ये छोटा नागपुर के लिए भी, किसी भी किसी में छोटा नागपुर, उस समय तो छोटा नागपुर ही झारखंड था। और ये भी देखिए अबुल फजल का है, अकबरनामा है, इसमें उन्होंने झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। ये तो हो गया कि झारखंड शब्द का प्रयोग होने लगा। अब क्या कुछ किसी किसी जगह को, जैसे संथाल परगना, राजमहल, रांची, इन सभी को भी प्राचीन काल में थोड़ा अलग अलग नाम से ही पुकारा जाता था। जैसे कि संथाल परगना में प्राचीन काल में नड़ीखंड, नड़ीखंड कहा जाता था। बाद में ये कांकजोल नाम से जाना जाने लगा, कांकजोल। फिर उसके बाद वेंगसांग के बारे में मैंने वहां भी इसलिए कर दिया कि एक साथ था कि दो बार नाम वगैरह, एक तो था जाके आपका किलोना सुफालाना, और यहाँ पे ये जो चाइनीज है ना, तो इनका वर्ड भी चाइनीज के जैसा है, किचिंग काइला, किचिंग काइला। तो यहाँ पे इन्होंने किचिंग काइला प्रयोग किया था राजमहल क्षेत्र के लिए, किचिंग काइला मतलब जो भी है इन लोग का वर्ड है, किचिंग काइला प्रयोग कर दिया था राजमहल क्षेत्र के लिए। फिर रांची जिला के लिए कोकरा, चुटिया, नागपुर, विल्किंसन, किशुनपुर, ये सब नाम का प्रयोग किया जाने लगा। और छोटा नागपुर के लिए भी कोकरह ही यूज होता था पहले, जैसा मैंने कहा, फिर उसी तरह छोटिया नागपुर भी होता था, और रांची जिला के लिए भी यही नाम प्रयोग किया जाने लगा। इस तरह से आज हम लोगों ने जाना कि झारखंड का प्राचीन नाम पहले क्या था, किस किस बुकों में राजाओं ने क्या प्रयोग किया हमारे झारखंड के लिए, चाहे छोटा नागपुर के लिए, राजमहल के, संथाल परगना के लिए। और सर्वप्रथम सबसे पहले जो कि हमारी झारखंड शब्द का प्रयोग कहाँ से हुआ है, वो 13वीं शताब्दी से, और इस ढंग से फिर कई जो कि शमसिरा, सलीमुल्ला, गुलाम हुसैन खान, इन लोगों ने, कबीर दास, मोहम्मद जायसी, इन लोगों ने भी हमारे झारखंड शब्द का प्रयोग किया। तो आप इसे एक बार दो बार देखिएगा तो ये वीडियो से नाम आपको याद आ जाएगा। और लगभग सारे कंपटीशन में एक न एक बार नाम तो रहता ही रहता है क्वेश्चन। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।